नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिस मल्टीपल इफ़ की, जिसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ मंथ ऑफ द ईयर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ यूजिंग इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल इफ़ यूज़र एंटर्स 2 तो इट विल डिस्प्ले 28 और 29. यानी हम लोगों ने महीने का नंबर एंटर करना है, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर 12 तक, ठीक है. और हमने ये बताना है कि उस महीने में दिन कितने होंगे. यानी अगर फरवरी का है तो वो 28 या 29 का होगा, अगर जनवरी का है तो वो 31 दिनों का होगा, ठीक है. इसी तरह मार्च 31 का होगा, फिर अप्रैल 30 का होगा. तो हम लोगों ने मल्टीपल इफ़ कंडीशन इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करनी है इसमें. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इंक्लूड की स्टैंडर्ड आयो डॉट एच, कंसोल आयो भी डॉट एच भी ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे अगर हमने गेट सी एच को एंड पे यूज़ करना है. इन्होंने नहीं किया हुआ इसलिए इन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया. अच्छा जी, अवॉइड मेन, वॉइड मेन हमने कर लिया स्टार्ट मेन फंक्शन. इसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है मंथ के लिए m, और हम साथ ही यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि एंटर द मंथ. अब यूज़र ने कोई भी मंथ एंटर करना है, फॉर एग्जांपल उसने एंटर किया 9, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है. हमने उस मंथ को scanf स्टेटमेंट की मदद से हमने m वेरिएबल की लोकेशन पर स्टोर कर दिया उस वैल्यू को रैम के अंदर, ठीक है. अब हम कह रहे हैं कि इफ़ अगर मंथ जो है वो पहला है, तीसरा है, पांचवा है, सातवां है, आठवां है, दसवां है या बारहवां है, ठीक है. तो हमने मैसेज यूज़र को देना है प्रिंट एफ 31 डेज़. यानी ये वो वाले सारे महीने हैं जो 31 दिनों के होते हैं. पहला, फर्स्ट, और साइन, और का मतलब है या, ठीक है. एंड साइन नहीं यूज़ किया, और. यानी कि अगर पहला मंथ एंटर हुआ हो, M1 एंटर हुआ हो, या 3 एंटर हुआ हो, या ये जो आपको डबल पाइप साइन नज़र आ रहा है, ये और साइन है, ठीक है, और साइन है ये. या 5 है, या 7 है, या 8 है, या 10 है, या 12 है, तो 31 दिन होंगे. हमने प्रिंट करवा दिया मैसेज 31 डेज़. एल्स इफ़ इसके अलावा अगर मंथ जो है वो चौथा है, छठा है, नौवां है या ग्यारहवां है, तो फिर 30 दिन होंगे, ठीक है. और अगर महीना, एल्स इफ़ फिर हमने कहा एल्स इफ़ मंथ जो है वो दूसरा है, यानी सेकंड मंथ है, तो उसके हम प्रिंट कर रहे हैं 28 और 29 डेज़ के 28 या 29 दिन होंगे. और इसके अलावा अगर हम कोई और नंबर एंटर कर देते हैं जो 1 से लेकर 12 तक नहीं है, बल्कि इससे 1 से नीचे आ गया या 12 से ज़्यादा हमने एंटर कर दिया, तो उसको हम कहेंगे एल्स. वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, हम उसमें मैसेज दे देंगे यूज़र को कि प्रिंट एफ इनवैलिड मंथ. तो बहुत इजी ही हैं मेरे लिए, तो इजी ही हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए भी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सिर्फ हमें लॉजिक अंडरस्टैंड करनी होती है कि हमने करना क्या है, बाकी तो सिंपल इफ़ एल्स इफ ही लगानी है. यानी लॉजिक हमने इन प्रोग्राम्स में ये अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास चॉइसेस कितनी कितनी आ रही हैं, उनको अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हर चॉइस के लिए हमने एक इफ़, फिर एल्स इफ़, फिर एल्स इफ़, और जो लास्ट चॉइस होती है उसके लिए हम एल्स लगा देते हैं.